आज की डेट में दुनिया के हर देश से भारत का वातावरण सरस है। वो समय था एक जब हम लोग सोचते थे बेटा परदेश चला जाए तो नाम अपना भी थोड़ा लोग कहेंगे वाह इनका बेटा तो अमेरिका में है नहीं, इंग्लैंड में है नहीं, कनाडा में है नहीं, आयरलैंड में है नहीं। पर अब समय कुछ अलग है। अब तो भारत के प्रति दीवानगी बढ़ रही है दुनिया की यूथ की। दुनिया का यूथ भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है। उसको पता है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की समझ, भारत की लाइफ स्टाइल, जीवन शैली जो सुख दे सकती है वो पश्चिम की नहीं दे सकती। सूर्य किधर उगता है ईस्ट में के वेस्ट में? सूर्य किधर उगता है ईस्ट में के वेस्ट में? ईस्ट में सूर्य उगता है, वेस्ट में तो अस्त हो जाता है। तो फिर अपन काय को वेस्ट में जाओ भैया, ईस्ट में ही रहो ना। बोलो शंकर भगवान की। ईस्ट और लोग ईस्ट से मतलब फीस्ट चाहिए उन्हें, तो फीस्ट खीर पूरी खाने को मिल जाए मजे आ जाए, और मटर और पनीर की सब्जी हो फिर तो कह नहीं क्या। मतलब मैं कुछ संकेत नहीं कर रहा हूं, तुम लोग बात कुछ करने लगे मुझे डर लगा कुछ थोड़ा सा। मैं तो ऐसे ही कहता रहता हूँ कथा में, कुछ भी कहता रहता हूँ, आप लोग ज्यादा ध्यान मत दिया करो। बोलो शंकर भगवान की। ध्यान देने बात पे ध्यान दिया करो। सो शंकर भगवान ने पार्वती को समझाया कि अपन पीछा नहीं करेंगे, नहीं तो जन कितने पीछे चला जाएगा। अपन तो यही बैठ जाते हैं, पता लगाते रहेंगे, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तब मिलने चलेंगे। इसका मतलब यह है कि कोई आदमी गुस्से में हो तो ज्यादा उसके पीछे मत पड़ो, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ। गुस्सा कोई अजर अमर नहीं है, जैसे अपन नहीं अजर अमर ऐसे गुस्सा भी नहीं है। गुस्सा भी कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है, माने मर जाता है। इसलिए इंतजार किया करो, पत्नी को मत मारना, अपने गुस्से को मरने दो। किसी को मत मारो, गुस्से को मारो यार। गुस्से की कोई उम्र ज्यादा नहीं होती। अगर तुमने जवान नहीं उठाई, हाथ नहीं उठाया तो 3 मिनट में गुस्सा मर जाएगा। पर तुम उसको एनर्जी देते, जब तुम बकबक करने लगते, हाथ पांव चलाने लगते तो उसको ताकत मिल जाती है। कई लोग कहते महाराज गुस्सा बहुत आता है, मैंने कहा 3 मिनट की गारंटी ले लो, बाकी 4th मिनट की गारंटी हम ले लेंगे। 3 मिनट तुम आज संकल्प करो, महाराज के पास आयो आज संकल्प करो कि आज से मैं चाहे पत्नी आ जाए, चाहे पति आ जाए, चाहे छोरा छोरी आ जाए, चाहे अड़ोस पड़ोस का आ जाए, कोई भी आ जाए, 3 मिनट में गुस्सा नहीं करूंगा, 4th मिनट की झंझट आएगी नहीं महाराज, खत्म हो जाएगा। इतनी उम्र रहती बस गुस्से की 3 मिनट। सब अपने घर में जाके पत्नी जिसकी करती होगी उससे कहेंगे अब 3 मिनट का ध्यान रखना, 3 मिनट मत करना बस।